संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को जन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ये पुरस्कार नई दिल्ली में ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार के हाथों किया गया ऑनलाइन प्रदान। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को जन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पहला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संघ प्रदेश श्रेणी में श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल को सबसे ज्यादा मरीज भर्ती करने और दूसरा श्रेष्ठ पब्लिक अस्पताल 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल ने 1 अक्टूबर 2020 31 अगस्त 2021 के दौरान 11,074 मरीजों को चिकित्सा सेवा प्रदान की है, इसलिए SVBCH को श्रेष्ठ पब्लिक हॉस्पिटल का पुरस्कार प्रदान किया है। ये पुरस्कार गुरुवार को नई दिल्ली में ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार के हाथों प्रदान किया गया। दादरा नगर हवेली दमन दीव के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर वीके दास एवं आयुष्मान योजना से जुड़े अधिकारियों ने ऑनलाइन रूप से रसी तौर पर ये दोनों पुरस्कार हासिल किया। ये पुरस्कार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान किया गया है। संघ प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग ने इन पुरस्कारों पर हर्ष व्यक्त करते हुए अपनी सेवाओं में और सुधार कर इसे अधिकतम जनोन्मुखी बनाने का वादा किया है। जो हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में कोरोना के समय में हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत सतर्क तरीके से काम किया और हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स बहुत ही मेहनत किया है। पिछले 1.5 साल में कोरोना जब से इंडिया में शुरुआत हुआ था तब से लेके बहुत ही कम छुट्टियां लेते हुए इवन संडे को भी बहुत ही मेहनत करते हुए पूरे हर घर घर जाके काम करते हुए हमारे हेल्थ वर्कर्स ने बहुत प्रयास किया है। ये बहुत ही अच्छा विषय है कि इतना मेहनत हमें लगता है कि बहुत ही कम राज्यों में इतना मेहनत किया होगा। उसके लिए जो हमारे पूरे प्रशासन और प्रशासक श्री के जो सपोर्ट है और हमारा सेक्रेटरी हेल्थ मुतमा मैडम और डायरेक्टर डॉक्टर दास जी का भी सभी का सपोर्ट और मोटिवेशन बहुत रहा इसमें। इन सब के वजह से ये जो अचीवमेंट्स है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये सब पॉसिबल हो पाया और हमारी जो है कोरोना वैक्सीनेशन में भी पूरा 100% से पॉपुलेशन को हमने सिंगल डोज वैक्सीन दे दिया और भारत सरकार के अपना हेल्थ मंत्रालय भी इसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमें प्रथम पोजीशन दिया है और जो अभी जो रिसेंटली अवार्ड्स भी आए हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में विनोद भावे सिविल हॉस्पिटल को और यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली दमन दीव को प्रथम पुरस्कार आया है। ये बहुत ही गर्व की विषय है। ऐसे ही मेहनत करते हुए और सफल मार्गदर्शन के थ्रू और भी अच्छे अच्छे जनता के लिए सहायता करते हुए और अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट आगे जाएगा, यही हमारी उम्मीद।